हाँ जी दोस्तों, गल करांगे सैनिक स्कूल विच भर्ती। जो सैनिक स्कूल जो कपूरथले वैकेंसी निकली है जी, इसमें कौन कौन फार्म भर सकता, तो फार्म जो आए नहीं सी लास्ट डेट थी दस 18 जुलाई 2020 है, तो ये फार्म के कौन वैकेंसियां ने, किस तरह फार्म भर सकते हैं, कि फीस है जी। तो चलते हैं दोस्तों पूरी डिटेल के इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट पर। तो उस तो पहला गुजारिश करा कि फर्स्ट टाइम चैनल पर हो सेव किन फॉर यूट्यूब चैनल पर, तो नीचे रेड बटन का जो बटन है वो सबसक्राइब का, उससे जाके सबसक्राइब कर लो, नाल ही बगल के बैल बटन है उसमें भी प्रेस कर लो, तो कि तुम जो भी कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो पाऊंगा उसे नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। साढ़े चैनल के माध्यम दोस्तों अभी तुम्हें कि हर रोज़ की वैकेंसी की अपडेट लैके आने, जो सरकारी या प्राइवेट है या कोई गवर्नमेंट स्कीम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह तुम चैनल सबसक्राइब कराओ, फ्रेंड सर्कल वो कहो, ताकि वो भी हड़े मतलब जो कि है वैकेंसियां की अपडेशन या कोई गवर्नमेंट स्कीम की अपडेशन की बारे नॉलेज लै सकना। तो हूँ गल करते हैं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया गया इस थोड़े साझा करते हैं, जिस दे सकते हो सैनिक स्कूल कपूरथला। ठीक है जी, इस दे जो पोस्ट निकले टी जी टी जी कंप्यूटर साइंस दिया ने जी, सब तो पहला दे सकते हो कंप्यूटर साइंस, जिस दे की है नंबर ऑफ वैकेंसी की गल करिए, एक पोस्ट आ गई क्वालिफिकेशन की गल करिए, दे सकते हो तुहाडे सामने डिस्क्रिप्शन क्लिक हो रहा बिल्कुल मतलब स्क्रीन दे। तो दोस्तों इस बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस जो तुहाडे कोल यानी कि होना चाहिए गा कोर्स, यानी कि MSc कंप्यूटर IT MCA, यानी कि इस जो कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है जी। उस तो बाद जो कि दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए है, ना ही थोड़े को एक्सपीरियंस होना चाहिए है जी, तो ही दोस्तों जरा टैट है जो पास होना चाहिए CTET। ठीक है, सेंटर टैसट जो एलिजिबिल टैसट होंगे जी, ये थोड़े को पास होना चाहिए है। तो गल करिए दोस्तों इसकी जी पे स्केल हैगी 59,900 तो दोस्तों, यानी कि जो स्टार्ट आ गई इसकी जो पे स्केल आ, तो बहुत ही वधिया एक पे स्केल है दोस्तों। उस तो बाद जो नैक्सट वैकेंसी अपने को आती है यह TGT पंजाबी, तो तुम देख सकते हो TGT पंजाबी लिए वैकेंसी हैगी है जी, रिजल्ट फॉर SC कास्ट लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी टोटल एक है, पे स्केल भी तुम दस दी 59,900 तो दोस्तों अप्लाई हो गए 1,42,400 तक जाना जी। तो उस तो बाद जो गल रही है दोस्तों एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो इस तरह है, BA एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा एंड एलीमेंट्री यानी कि ET दोस्तों होना चाहिए गा, पंजाब सब्जेक्ट मार्क्स ऑन 1 ईयर बैचलर डिग्री BEd हो या BA ठीक है हो विद लास्ट 45 वक्त मार्क्स होना, तो ना ही दोस्तों इस होर की लिखे टैट जो पास होना जरूरी है। तो इस तरह से तुम देख लेना दोस्तों थोड़ी जो अकॉर्डिंग टू मतलब क्वालिफिकेशन पोस्ट होना चाहिए, फिर ही तुम अपलाई करने एलिजिबल हो। तो उस तो बाद नैक्सट चलते हैं, जो थर्ड पोस्ट अपने को आ जाती है लैबोरेटरी असिस्टेंट्स। ठीक है जी, जो भी कैंडीडेट लैबोरेटरी असिस्टेंट्स लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया गा अप्लाई कर सकते हैं, पर जी कैटागरी की गल करी तो OBC कैटागरी से वैकेंसी है, उस तो वैकेंसी है कि एक जो बहुत ही घट गिनती हैगी वह भी ओनली OBC है। तो गल करी दोस्तों पे स्केल से काफ़ी वधिया मिल जाता 25,500 तो 200 स्टार्टिंग है कि 81,000 सौ तक चला जाता है। उस तो बाद गल करते हैं जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है दोस्तों, थोड़े को साइंस के रिलेटेड टू सब्जेक्ट थोड़े को डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए गा, तो कैंडीडेट को रेफरेंस दी जाती दोस्तों विद एक्सपीरियंस थोड़े को जो होना चाहिए गा। ठीक है जी, नाल ही थोड़े को जो इंग्लिश यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए हैगी। ठीक है जी, इस तरह थोड़े को रिलेटेड टू कोर्स होना चाहिए जी, नाल ही कंप्यूटर बारे तो नॉलेज भी होनी चाहिए हैगी। तो उस तो बाद गल करते हैं दोस्तों एज लिमिट, तो इतने एज लिमिट तुम्हें दस दी गई, एज लिमिट जो रहनी अकॉर्डिंग टू पोस्ट दोस्तों इतने हैगी 21 से लेकर 37 ईयर। ठीक है, इस एज इलैक्शन भी मिल जाती है जो कि है कि कैटागरी रिजर्व ने जिम्मे कि SC ST BC ए फॉर एक्सर्समैन। ठीक है जी, गवर्नमेंट के रूल्स अकॉर्डिंग तुम्हें इतने एज इलैक्शन मिल जाती है। तो उस तो बाद गल करते हैं दोस्तों जो है नैक्सट जो वैकेंसी की जो कह सकते हैं आप कल दोस्तों सिलेक्टेड हो जाने जी पोस्टिंग हो जानी है सैनिक। ठीक है, मतलब कपूरथले के सैनिक स्कूल कपूरथला, तो उस तो बाद जो डिपार्टमेंट है जी वो थोड़ी जी पोस्टिंग आ ठीक है उसमें किसी पास भी ट्रांसफर कर सकता, उसकी एलिजिबिलिटी रखता गा। तो उस तो बाद दोस्तों गल करते हैं जो फीस इस प्रकार की, जो तुम्हें फीस की है कि ठीक है कटवानी है जी, वो इस प्रकार है जो जनरल कैटेगरी कैंडीडेट ने भरने जी ड्राफ्ट वगैरह 500 रुपये का, उस तो बाद कर लें जनरल तो OBC 500 रुपये ड्राफ्ट भरने। तो दोस्तों बाद गल करते हैं कैंडीडेट जो है ने SC ST उन्होंने लिए इसे 250 रुपये फीस कटाउनी है जी, डिमांड ड्राफ्ट कटवा लेना उसने। तो दोस्तों जो ये डिमांड ड्राफ्ट कटा लेना, इसका एड्रैस भी तुम नोट कर लो, प्रिंसीपल सैनिक स्कूल
कपूरथला। इस एड्रैस से तुसी क्या यह ड्राफ्ट कटवा लेना गा। उस तो बाद गल करदे दोस्तों नेक्स्ट प्रोसैस की, आपां नूं एड्रैस ते फार्म नूं भेजना गा, ठीक है जी। उस तो यह तुसी नोट कर लो, प्रिंसीपल साइंस स्कूल कपूरथला, पंजाब 144601, इस एड्रैस से तुसी निक्की परफार्मा भेज देना, ठीक है जी। उस तो बाद गल करदे आं लास्ट डेट दी जी, वह इस प्रकार है दोस्तों, 18 जुलाई 2020 तो पहला पहला अपने फार्म जो सबमिट कर देने ने, ठीक है दोस्तों। तुहाडा कोला कोई कुछ तो उस तो बाद तुहाडा कोई सुझाव का नीचे इन्हां दे कॉन्टैक्ट नंबर ने, उस तो वो भी तुहानू दस देने आगे, वो तुसीं पुछ सकदे होगे, तो हैल्पलाइन नंबर जां कोई इन्हां दी मेल आईडी ते तुसीं पुछना चाहुंदे हो गल कर सकदे हो। तो उस तो बाद दोस्तों गल ये है कि देखते हैं अगर की नोटिफिकेशन दे विच आया, तो दोस्तों नीचे कुछ कोई खास नहीं है। तो उस तो बाद जो भी रिटन टैसट मिले भी पोस्ट बर्ड स्कूल वैबसाइट की, इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट से तुम्हें अगे नैक्सट का जी लिस्ट वगैरह कैंडीडेट की दोस्तों पा दी जाएगी। तो वैबसाइट पर जरूर विजिट करो, जिस लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दो, उसे जाकर ईजीली देख सकते हो, ठीक है। सो यही दोस्तों अज्ज वैकेंसियां, ठीक है जी। तो दोस्तों प्रोफार्मा भरना गा, ठीक है। इस प्रोफार्मा भी लिंक थोड़ा मैं दे दूंगा, ये वैबसाइट है उन्होंने, ठीक है जी। इस प्रोफार्मा जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उतो जाकर जो प्रोफार्मा लिंक है जो, ठीक है जो तुम डाउनलोड कर लोगे तो ईजीली उन्होंने भर लोगे। तो आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, तो इस तरह के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, जय हिंद।